हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका सोनास किचन। और मैं हूँ सोना। दोस्तों, आज हम लोग बनाने वाले हैं इंस्टेंट खरबस, जो कि बहुत इजीली हम लोग बना सकते हैं घर पे। बहुत टेस्टी भी रहता है। ये मार्केट में बहुत महंगा बिकता है दोस्तों, लेकिन घर पे आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक बाउल लेना है बड़ा सा, और उसमें हम लोग डालेंगे एक कप दही। ये रेगुलर दही है जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। थोड़ा गाढ़ा लीजिएगा, और उसमें हम लोग डालेंगे एक कप कंडेंस मिल्क। ये कंडेंस मिल्क मैंने घर पे ही बनाया है दोस्तों। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इन दोनों चीजों को आपको अच्छी तरह से मिक्स करना है। हर टाइम बोलती हूँ दोस्तों, इसके लिए कोई मेजरमेंट कप की जरूरत नहीं है। आप कोई भी एक कप ले लें और उससे ही सारी सामग्री मेजर करें। तो ये अभी मिक्स हो गया है। अब हम लोग इसमें डालेंगे एक कप दूध। ये नॉर्मल दूध है जो हम लोग घर पे यूज करते हैं। इसको भी हम लोग अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये मिक्स हो गया है दोस्तों। तो अभी हम लोग इसमें डालेंगे हाफ कप मिल्क पाउडर। ये आपको अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि कहीं भी आपको लम्स नहीं रखने हैं। ये पूरा मिल्क पाउडर जो है वो पूरा दूध में घुल जाना चाहिए, तभी ही हमारा जो खरबस है वो बहुत टेस्टी बनेगा। चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो गई है दोस्तों। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे। मैं इस दूध को एक पतीले में ट्रांसफर कर रही हूँ, जिसमें मैं ये खरबस पकाने वाली हूँ। मैंने इसे ऑयलिंग वगैरह नहीं किया है, डायरेक्टली मैं इसमें डाल रही हूँ। अब हम लोग इस पे थोड़ी सी इलायची पाउडर डालेंगे। दोस्तों, हमारा जो खरबस का दूध है वो अभी रेडी हो गया है। तो अब हम चलते हैं आगे। दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक हांडी रख दी है गैस पे, उसे मीडियम फ्लेम पे रखा है, और उसमें मैंने जो मेरा रेगुलर स्टैंड है वो रखा है। आप कोई भी कटोरी भी उल्टी करके रख सकते हैं। ये 5 मिनट गर्म हो गया है। अभी हम लोग इसमें डालेंगे 4 ग्लास पानी। हम लोग जो खरबस है हमारा, उसे स्टीम पे पकाने वाले हैं दोस्तों, इसलिए हम इसमें पानी डाल रहे हैं। जो हमारा खरबस का टिन है उसे स्टैंड पे रखेंगे और उसे ढक देंगे। ये काम बहुत संभाल के करना है दोस्तों आपको। हमें इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से कवर करना है और इसे 35 to 30 मिनट पकाना है, ऐसे ही लो फ्लेम पे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा खरबस रेडी है। इसे मैंने 35 मिनट पकाया है लो फ्लेम पे, लेकिन ये अभी तक खाने के लिए रेडी नहीं है। इसे हमें 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रखना है चेक करने के लिए, उसके बाद ही इस खाने के लायक हो जाएगा। इसलिए अभी से फ्रीजर में रखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो खरबस है वो कितना बढ़िया बना है। मैंने इसे 1 घंटे फ्रीजर में रखा था सेट करने के लिए। तो ये अभी रेडी है खाने के लिए। तो अभी हमें इसे पीसेस में कट करना है। इसमें सबसे डिफिकल्ट जो काम होता है वो इसके पीसेस निकालना। तो हमें जो साइड वाला पीस है उसे पहले निकालना है दोस्तों, उसके बाद ही हम लोग बीच वाले पीसेस निकाल सकते हैं। तो हम लोग साइड वाला पीस निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये
देखिए दोस्तों, हमने ये साइड वाला पीस निकाल लिया है और ये कितना सॉफ्ट और कितना बढ़िया बना है। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है दोस्तों। आपको रिक्वेस्ट करूँगी ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय।